हरियाणा के हिसार के धांसू रोड स्थित भारत गैस प्लांट में गैस डिस्चार्ज करते समय वॉल लीकेज होने से बड़ा हादसा हो गया है। इस दौरान गैस के रिसाव के बाद आग लग गई। आग लगते ही इमरजेंसी अलार्म बजाया गया। प्लांट के कर्मियों ने अपने स्तर पर रिसाव को रोकते हुए आग पर काबू पाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख जिला प्रशासन व संबंधित विभागों को सूचित किया गया। जिला प्रशासन की सूचना पर फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन बल, सिविल डिफेंस, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बाल्टियन को भी सूचित किया गया। सूचना पर एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह पूरी तैयारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद घटना पर काबू पा लिया गया। इस दौरान 17 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्लांट परिसर में बनाए गए अस्थाई मेडिकल पोस्ट में प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल यह सारा घटनाक्रम भारत गैस प्लांट में हुई मॉक ड्रिल का हिस्सा था। ड्रिल के दौरान आपदा घोषित होते ही प्लांट के अंदर बनाए गए स्टेजिंग एरिया में सभी संसाधन तथा बचाव उपकरण व मशीनरी एकत्रित की गई। प्लांट परिसर में ही इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी बनाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले गैस के प्रभाव का आंकलन किया और इसके बाद राहत व बचाव कार्य आरंभ कर दिए। मैं टेरिटरी मैनेजर भारत पेट्रोलियम हिसार के हूँ। यहाँ से मार्केटिंग में हम लोग हरियाणा के 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं और इस प्लांट से हमारे करीबन 6-7 डिस्ट्रिक्ट कवर होती है सप्लाईज की। तो मेरे साथ प्लांट इंचार्ज मिस्टर मानवाशीष मुखर्जी भी हैं। तो प्लांट में जैसे ये हम लोग काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ यूज़ करते हैं, LPG यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारी एज़ पर कंपनी पॉलिसी हर महीना हम लोग फायर ड्रिल करते हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए कि हमारी इक्विपमेंट सही है कि नहीं, लोगों में फुर्ती है कि नहीं, या सारे अपने जो केमिकल्स है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। और उसके बाद 3 महीना में हम लोग म्यूचुअल एड मेंबर्स के साथ ये अपने ड्रिल करते हैं। म्यूचुअल एड में जैसे हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, हमारे जो सिस्टर ऑयल कंपनीज़ है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL, इन सबको लेके, ये अपने जिंदल हुए, TCM हुए, उनको लेके, उनके इक्विपमेंट्स लेके वो रिस्पांस टाइम हम लोग देखते हैं कि भाई उन हम हमारी जब कायदे से बाहर निकल जाती है फायर, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल, अगर हम म्यूचुअल एड मांगते हैं तो वो कितना जल्दी रिस्पांस करते हैं। उसके बाद साल में एक बार हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं, जबकि DC ऑफिस को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, सो दैट इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ दे आर एबल टू गिव असिस्टेंस ऑन ग्राउंड। So this is how we take care of our safety requirements. So far we have a very incident-free in Hisar. आज हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए हमने सब्जेक्ट रखा है एक LPG का बॉटलिंग प्लांट है, जो BPCL का आप पीछे बैकग्राउंड में प्लांट देख रहे हैं। इसमें बॉटलिंग प्लांट है जो बड़े कैप्सूल से जब बॉटल्स में भरते हैं उस टाइम एक रिसाव हुआ है जिसकी वजह से एक छोटी आग लगी है जिसको ऑन साइट इमरजेंसी है, इसको BPCL के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा बुझा लिया जाएगा, लेकिन जो उसका रिसाव है वो चालू रहेगा और उसमें वहाँ कुछ कैजुअल्टी हो गई हैं। ये सिनेरियो हमने पेंट किया है। उस रिसाव को रोक कर कैजुअल्टी रिमूवल का, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का और बीच में ट्रीटमेंट देने का जो रोल है वो NDRF का रहेगा। ये माननीय गृहमंत्री जी के निर्देशानुसार देश के समस्त जिलों में आगामी 3 साल में मॉक एक्सरसाइज की जाएंगी, जिसमें 8th बटालियन NDRF की गाजियाबाद की जो टीम है उसके अंडर में 64 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें वेस्टर्न यूपी के 18 डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड और हरियाणा, टोटल हरियाणा और दिल्ली NCR के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें सभी 64 डिस्ट्रिक्ट में हमारे द्वारा मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। इसी क्रम में हिसार डिस्ट्रिक्ट को हमने स्पेशली CBRN इमरजेंसीज के लिए चुना है। CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज। ये हम चूज़ करते हैं वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल को देखकर। जैसे वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ बाढ़ आने का खतरा है तो हम वहाँ फ्लड की मॉक एक्सरसाइज करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में आते हैं उनको हम अर्थक्वेक का सिनेरियो लेते हैं। और विशेषतः क्योंकि ये MAH यूनिट है जिसको मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड यूनिट बोलते हैं, इसमें एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा एक हजार्डस केमिकल रखने पर सरकार उसको MAH यूनिट डिक्लेयर कर देती है, जहाँ पर एक केमिकल एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। उन खतरों से जनता को बचाने के लिए हम ये मॉक ड्रिल करते हैं। इसका उद्देश्य है, नंबर एक, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है उसको उसमें कोई गैप्स अगर रह गए हैं या कोई उसमें अगर नया हम सुधार चाहते हैं तो वो इस माध्यम से पता कर लिया जाता है। जो वेरियस एजेंसीज़ हैं उनका जो रोल है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, पैरामिलिट्री की यूनिट है, NDRF की यूनिट है, जिला प्रशासन, फूड एंड सप्लाई, इन सभी का रोल क्या है वो अपने रोल को रिहर्स करते हैं।
और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन में स्थापित करने का काम होता है वो इन मॉक एक्सरसाइज से हम प्रैक्टिस करते हैं, और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसे नेक्स्ट मॉक एक्सरसाइज में हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, और प्रशासन भी उसको नोट डाउन करता है कि इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान हमसे ये कमी देखी गई तो आगामी होने वाली मॉक एक्सरसाइज में या आगामी होने वाले एक्चुअल भगवान न करे अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये हमको इससे पता चलता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.